हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विथ मी अनदर ब्लॉग। सो आई होप गाइस आप लोग सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और मैं अभी हूँ ऑटो में मम्मी और अन्नू के साथ, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं सेक्टर 4 घूमने। वैसे तो हम लोग घर से सोच के जा रहे हैं कि नेहरू पार्क और जगन्नाथ मंदिर जाएंगे, बट अभी हो गया शाम का 4 बजे। देखते हैं नेहरू पार्क खुलेगा तो घुसेंगे। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए और ब्लॉग को कहीं स्किप मत कीजिएगा। सो गाइज़ हम लोग नेहरू पार्क एंटर कर गए हैं और मैं बाहर का व्यू नहीं ले पाई क्योंकि हम लोग का टिकट करवाने में बहुत लेट हो गया, क्योंकि यहाँ पे कैशलेस टिकट होता है। तो मेरा थोड़ा फोन पे में प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए लेट हो गया था। बट आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, आप लोग को पूरा शेयर कराऊंगी पार्क। ये है हम लोग का मोटो दी। सो गाइज पार्क एंटर करते ही सबसे पहले आपको मिलेगा नेहरू जी का स्टैचू, क्योंकि ये पार्क जो है उन्हीं के नाम से है। और जो बोकारो से है उनको तो पता ही होगा, बट जो बोकारो से नहीं है उनको मैं बता रही हूँ। सो गाइज आज थोड़ा बहुत भीड़ है नेहरू पार्क में, बिकॉज आज संडे है, बट ज़्यादा भीड़ है नहीं। और अभी 5 बजे से ज़्यादा हो गया, इसीलिए थोड़ा लाइटिंग कम दिख रहा है फ़ोन में। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है। वैसे हम बहुत दिन के बाद आए हैं नेहरू पार्क, कौन कौन सा एनिमल है नहीं है हमको इतना आइडिया नहीं है। चलिए देखते हैं। अभी तो हम लोग एंटर ही किए हैं और लाइटिंग बहुत ज़्यादा कम हो गया है यहाँ पे, और 6 बजे बंद भी हो जाएगा, तो उससे पहले ही हम लोग को निकलना है। तो चलिए जल्दी जल्दी घूमते हैं, फिर आप लोग को भी घुमाते हैं। तो आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू रहिए। सो गाइज नेहरू जी का स्टैचू मिलने के बाद राइट साइड में थोड़ा आगे मिलेगा आपको मछली विहार, जहाँ पे मछली है वहाँ पे टिकट लगता है। तो अभी हम लोग उधर जाएंगे नहीं, पहले एनिमल्स देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे। सो गाइज इधर है हिरन, पता नहीं किस टाइप का हिरन है, देखिए यहाँ पे है, ज़्यादा नहीं है, 2-4 को करके है। और उधर कुछ स्वैंस है जिसको हम लोग हंस बोलते हैं, हंसराज। और इधर भी एक है, पता इधर हम लोग आ गए हैं। इसका नाम है कृष्ण मृग, जो कि थोड़ा बहुत हिरन टाइप्स में ही होता है। देखिए किसी किसी का सिंग है, और कोई कोई जो है वो सबका सिंग है, लेकिन किसी का छोटा है, किसी का बड़ा बड़ा है। ये देखिए नाम इमू है। गाइस इधर देखिए यहाँ पे, हाँ मेरा नाम इमू है, वहाँ पे है एकदम कोना में रहा, ये रहा, दो है एक। और इधर है सांबर, लेकिन सांबर है कहाँ, ये तो सांबर ही नहीं है। अच्छा एक है जो थोड़ा सा क्या बोलते हैं, किस किस टाइप का दिखता है, देखिए इधर थोड़ा सा पता नहीं कैसे दिख रहा है। बहुत सारे जानवर कम हो गए हैं गाइज, मैं तो बहुत दिन के बाद आ रही हूँ। दरियाई घोड़ा हिप्पोपोटमस, हिप्पोपोटमस एक ही है, देखिए उधर दीवाल साइड में खड़ा है, पानी में नहीं है दरिया। इधर है बियर, दो बियर निकला हुआ है, शायद दो ही बियर है। ये रहा दोनों भालू अपना मस्ती कर रहा है, खेल रहा है, ये रहा ओ पूरा खेलने के मूड में है भालू, पूरा खेलने के मूड में। एक उधर है, एक इधर है, दोनों बहुत खेलने के मूड में है ना। ए और लकड़ बग्घा और लोमड़ी और एगो पता नहीं किस टाइप का जानवर, रोल लौटा सभी लोग। ये है टाइगर का पिंजरा, बट हम लोग को लायन भी नहीं दिखा, टाइगर भी नहीं दिखा, चीता भी नहीं दिखा। जो बाकी लोग हैं उन लोग बोल रहे हैं कि इन लोग अंदर घुस गया है ठंड की वजह से, बट कोई बात नहीं, क्या कर सकते, धूप होता तो शायद देख लेते। इधर है हनुमान लंगूर, ग्रे लंगूर, ज़्यादा नहीं है, देखिए इधर एक बैठा हुआ है और उधर 2-4 है, देखिए उधर दौड़ रहा है, ज़्यादा है नहीं। हाय हाय, इधर देख ही नहीं रहा है मेरे तरफ। इधर है मछली घर जल जीव बिहार, बट अभी बंद हो गया है, शाम हो गया, इसीलिए हम लोग थोड़ा लेट से आए ही थे, तो अब क्या कर सकते हैं। इधर बहुत मस्त मस्त फ्लावर है, डालिया टाइप्स, वाह बहुत मस्त लग रहा है। सो गाइस इधर है कुछ झूला वगैरह, बच्चों का भी झूला है, बड़ों का भी झूला है, तो हम लोग भी थोड़ा झूल लेते हैं। मुझे झूला से बहुत डर लगता है, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूंगी। सो गाइज अब हम लोग निकलेंगे, निकलते टाइम कुछ बर्ड्स मिलेंगे, पैरट्स पिकॉक वगैरह, तो उधर मैं आप लोग को जब निकलूंगी झूला झूल के तब दिखा दूंगी, क्योंकि हम लोग वैसे भी शाम के टाइम पे आए थे तो ज़्यादा जानवर हम लोग को दिखा नहीं। तो चलिए थोड़ा बहुत झूला का मम्मी के साथ एंजॉय कर लेते हैं, उसके बाद फिर निकलेंगे। हम
उल्टे नीचे। उसको बोलते हैं टर्की। बाप कैसा दिख रहा है ये मोर का ही कोई प्रजाति है ये मोर। ये रहा वाह इसका पंख क्या मस्त लग रहा है वाह। सारा मोर ही है वो सबका पंख नहीं है। ये सब शायद पीहेन है और ये पीकॉक है। अब चलिए यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं जगन्नाथ मंदिर की ओर। सो गाइस आ गए हम लोग बोकारो के सबसे खूबसूरत पैलेस जगन्नाथ मंदिर में और यहाँ का जो नाइट व्यू है ना बहुत अच्छा लगता है। और इधर हम लोगों ने अपना जूता चप्पल जमा कर दिया है। अब चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं। सबसे पहले करेंगे यहाँ पे पैर हाथ धोएंगे उसके बाद चलेंगे मंदिर के अंदर। तो ये रहा जगन्नाथ मंदिर का नज़ारा जो कि काफ़ी भव्य और सुंदर है। रात में और भी अच्छा लगता है देखने में। इधर है प्रसाद भंडार जिसको पूजा करना होता है वो यहाँ से प्रसाद लेके चढ़ाते हैं। अब हम लोग चलेंगे अंदर बट अंदर का वीडियो नहीं दिखा सकते क्योंकि वहाँ पे फोटो और वीडियो लेना मना है और रूल को फॉलो करना भी बहुत ज़रूरी है। बट वहाँ से निकल के मैं आप लोग को बाहर का सारे मंदिर का दर्शन करवाऊँगी। इधर है माँ बिमला दुर्गा मंदिर और यहाँ पे है नवग्रह मंदिर। नवग्रह मंदिर जहाँ पे नौ देवता यहाँ पे विराजमान है। और इधर है रथ। इधर रथ का ऐसे बनाया गया है। और गाइस उधर है तालाब। उधर उस साइड में तालाब है जहाँ पे छठ वगैरह होता है। उस तालाब में बहुत सारी फिश भी है बट अभी अंधेरा हो गया तो उधर हम लोग जाएंगे नहीं। पे है तुलसी मंदिर जहाँ पे दिया चल रहा है। बाकी इधर है हनुमान मंदिर और यहाँ पे है गणेश मंदिर। चलिए वहाँ भी आप लोगों को ले चलते हैं दर्शन करवा देते हैं। इधर है भगवान हनुमान और इधर है भगवान गणेश और इधर है हमारे भोलेनाथ काशी विश्वनाथ मंदिर। सो गाइस वहाँ से निकल के बाद हम लोग खा रहे हैं चाट। बहुत दिनों के बाद ये वाला चाट हम बहुत दिनों के बाद खा रहे हैं। हमको बहुत टेस्टी वे में लगता है। ये वाले अंकल हम लोग को बना के दिए हैं जो जगन्नाथ मंदिर के बाहर ही है। तो आई होप गाइस आप लोगों को मेरा ये वाला ब्लॉग अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और हम लोग चले अब खा के घर। तो बाय टेक केयर गुड नाइट। मिलती हूँ फिर से एक न्यू ब्लॉग के साथ।